क्योंकि आपने मतलब सर सर सुने कर क्या सर रात को जब आपने भेजा तब सुबह चेक किया तब लेट हो हाँ गया। सर सुबह चेक किया तो रात को चेक करते हैं। ये दो क्वेश्चन थे और ये थे ऐसे थे। सर सो गए थे तो सुबह सुबह जल्दी थोड़ा ज्वाइन चेक करना चाहिए था। सर, फर्स्ट टू नहीं किए, लास्ट टू कर दिए थे सर। हाँ सर चलो इन दोनों की बात बाद में करेंगे जब तुम अटेम्प्ट करोगे, मुझे रिमाइंड कराना ठीक है। यस सर यस ये वाला कर लिया सबने या नहीं किया है? ये को यस सर यस सर पक्का सबने कर लिया है? यस सर यस सर क्या आंसर है? फाइव थ्री हाँ थ्री इसका आंसर है थ्री सॉल्यूशंस। किसी को डाउट है? नो सर नो सर सर मुझे डाउट है सर। नाम बोल बच्चे। सर यश देखो इधर कॉसेक्स का ग्राफ बनाया, कहाँ तक बनाना इम्पोर्टेंट है हमें खुद को आइडिया हो गया। फोर तक करेक्ट ना एवरीवन? यस सर ऑब्वियसली टू पाई के बाद तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी बनाया ऐसा एंड सो ऑन। सो ये क्या है पाई बाय टू, ये माइनस पाई, ये माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू। सो नाउ वाई इक्वल टू एक्स बाय फोर बना रहा हूँ, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड एक्स इक्वल्स टू फोर। फोर कहाँ पे होगा? ये पाई होता है 3.14, ये थ्री पाई बाय टू होता है, इसकी वैल्यू रफली निकालोगे तो 4.5 समथिंग आएगी, मतलब फोर यहाँ पे कहीं होता है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। देखो ऐसे पास करेगा यहाँ से, ऑब्वियसली इसके बाद इंटरसेक्ट नहीं करेगा। माइनस फोर कहाँ पे होगा रफली? ये माइनस अगेन 4.5 होगा, करेक्ट बच्चों? यस सर। तो माइनस फोर यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे माइनस वन, सो लाइक दिस इट इज गोइंग टू पास, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सॉल्यूशन होगा एक दो तीन सॉल्यूशन। सर वी डोंट काउंट द ओरिजिन एंड द वन पार्ट। You don't count because you don't apply your brain. Origin पे cosx pass कर रहा है क्या नालायक? नहीं sir, sorry, नहीं कर रहा। तो फिर कैसे पास? कुछ भी वजह है, cosx यहाँ से पास कर रहा है, cosx को कहाँ पे intersect कर रहा है ये? Sorry sir, last year level इसलिए नहीं समझ पाया था मैं ये चीज। Any other doubt anybody? चलो next question. ये वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई तुमने अटेम्प्ट किया नहीं किया, आंसर बताना चाहोगे? सर आंसर सी है क्या? हाँ सर ऑप्शन सी। ओके चलो देखते हैं। टेन एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो पहले किसका ग्राफ बनाएं बच्चों? टेन एक्स का बना ले। हाँ सर यस सर टेन एक्स। एक्स का ग्राफ पीरियोडिक होता है किस पीरियड के साथ? पीरियड ऑफ पाई। पीरियड ऑफ पाई याद आया? यस सर। यही रिपीट करता है बस हर जगह। Like this, pi by 2, ये क्या हो गया? Pi, 3 pi by 2, सही है everyone? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे y equal to x बनाना है। y equal to x एक तो origin से पास करेगा, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे obviously calculus इतना नहीं आता, मतलब अभी तो मैं पढ़ाया नहीं है, otherwise differentiation और slope के फंडे से और अच्छी तरह बता सकते हैं, बट अभी वैल्यू से ही बताना है। तो मैंने फील किया कि अच्छा पाई बाय फोर बीच पे देख लेता हूँ कहाँ पे जा रहा है। पाई बाय फोर पे टेन एक्स तो कहाँ पे जा रहा है? वन पे जा रहा है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस। y इक्वल टू x एट x इक्वल्स टू पाई बाय फोर की वैल्यू होगी पाई बाय फोर व्हिच इज 3.14 बाय फोर व्हिच इज लेस देन वन। हाँ है ना? यस सर। एवरीवन यस सर। खाली बीच की एक और वैल्यू देख लेना, वो उसको कट नहीं कर रहा है, यू नहीं कि ऊपर से आ रहा है। It is passing from the bottom of it like this. सबको clear? Yes sir. Yes sir. बताओ smallest positive root अभी तक हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ। नहीं हुआ sir. नहीं हुआ है। sir. Origin तो count नहीं होगा ना, positive नहीं है वो, correct or not? हाँ sir. Yes, yes, yes sir. The smallest positive root कहाँ पे मिलेगा? Come on. Pi. Is that clear everyone? Yes sir. Yes sir. ये copy वाली बाद में कर लेना, अभी सिर्फ समझ लो, सिर्फ समझ लो।
ओके कैन आई मूव ऑन, हो गया? यस यस। चलो एक छोटा सा देखो फंक्शन, कभी कार तुम्हें दिखेगा आपसे, इसलिए उसको समझा देता हूं। मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में दिखेगा इसको बहुत डेप्थ में, तो फंक्शंस फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस में वापस देखेंगे। इट्स वेरी इजी, मेरे साथ आंसर करो। वाई इज, अगर ऐसा लिखा है मैक्सिमम और ब्रैकेट में डाल दिया 3,4, तो तुम्हारे हिसाब से वाई कौन है? 4। मतलब सिंपल फंक्शन ही है ना एवरीवन? यस सर। ऐसा कर दो, वाई इज मैक्सिमम ऑफ 3,x, अब क्या आंसर होगा तुम्हारा? x y। अच्छा तुम्हें सपने आ रहे हैं, x होगा, x क्या 1.2 हो गया, तो फिर क्या आंसर होगा? हाँ फिर क्या आंसर होगा? 1.2 हो गया x, तो 3 होगा। थोड़ा सा तो सोच के बोला करो क्या आंसर है। दो केस बनेंगे ना, x greater than 3 and x less than 3। आइदर केस बनेगा या यू शुड से इट डिपेंड्स, यस और नो एवरीवन? यस यस सर। तो ऐसे लिखते हैं, इट डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन व्हाट, कि x 3 से बड़ा है या x 3 से छोटा है। कम ऑन, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। तो इधर देखो फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है, अगर x 3 से छोटा है तो फिर मैक्सिमम तो गारंटेड कौन होगा बच्चों? 3। हाँ है ना, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। x 3 से छोटा है तब तो आंसर 3 आ रहा है ना एवरीवन? यस सर। यस। 2 हो कुछ भी हो, छोटा है तो फिर आंसर y का कितना होगा? 3। थोड़ा दिमाग लगाना, दिमाग लगाने वाला है, भगवान ने दिया है यूज इट। अगर x 3 से बड़ा है लाइक 3.5 है तो आंसर 3.5 ही हो जाएगा, करेक्ट एवरीवन? यस यस। 3.5 की जगह बेटर है क्या लिखना चाहिए मुझे? x। क्या ये सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। इनको क्या बोलते हैं अपन? इनको बोलते हैं केसेस। क्या बोलते हैं एवरीवन? केसेस। ये आउटपुट है, करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes. Yes. अब कैसे रीड करोगे इसको? If x is less than 3, then y is 3. If x is greater than 3, then y is x. Is that clear everyone? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Or what about equal to 3? Equality, अगर x equal to 3 हो गया, तो फिर तो y 3 होगा, या x भी बोल सकते हो ना, कुछ भी बोल सकते हो ना everyone? Yes, sir. Yes, sir. So इसका मतलब equality में ऊपर भी लगा सकता हूँ और नीचे भी कहीं भी लगा सकते हैं। कन्वेंशन है कि ग्रेटर देन के साथ लगा दिया करो। समझ में आ गया? यस सर। यस। बट अगेन इक्वलिटी ऊपर भी लगा सकता था क्या? यस सर। बट दोनों जगह नहीं लगाना चाहिए, करेक्ट ना? यस सर। यस। तो ये हो गई देखो हमारी डेफिनेशन, इसको बोलते हैं पीस वाइज डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? पीस वाइज डेफिनेशन। पीस वाइज डेफिनेशन क्यों पीस वाइज? समझ गए पीस वाइज हो रही है? हां सर। यस सर। चलो और प्रैक्टिस करो मेरे साथ। y is minimum of 2,x, so y again y is equal to 2 if 2 is x is greater than 2 less than x, correct everyone? Yes. Yes sir. It will be x if 2 greater x is 2 is greater than equal to or equality kahi bhi dal do, usually yahan dal dete hain. Samajh mein aa gaya everyone? Yes sir. कॉपी करो यहां, ग्रेटर देन के साथ डालते हैं। ये ग्रेटर देन नहीं, क्या कहते हैं? x ग्रेटर देन 2। कॉपी करो। हां सर, सॉरी सर।
हो गया सबका यहाँ तक? यस सर। अच्छा एक दो तुम लिखो चलो, वाई इज मैक्सिमम ऑफ 3, a² + 4 व्हेन ए कैन बी एनी रियल नंबर, सोच के लिखो खुद ही आंसर। वाई इज मिनिमम व्हेन ए कैन बी एनी रियल नंबर ऑफ 2, 1 - a² इसका मतलब क्या है, वाई इज मैक्सिमम ऑफ 3, a² + 4 और a कैन बी एनी रियल नंबर, मतलब a² + 4 की रेंज निकालनी पड़ेगी पहले, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। करो करो करो। डन सर। डन सर। Done, sir. आराम से हो रहा होगा, am I sure, correct ना? Yes, sir. चलो मैं समझाता हूँ, आंसर तो ठीक है लिख देना। इसकी रेंज क्या होगी बच्चों, 4 to infinity होगी, करेक्ट एवरी वन? यस सर। कहने से ये हमेशा इससे बड़ा है ना 3 से? हाँ सर। हो जाएगा 1 a² + 4, करेक्ट एवरी वन? यस सर। 4 तो मतलब नियो नहीं लिखते है, तो आंसर है a² + 4, समझ गए एवरीवन? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब बताओ मिनिमम कौन है 2 और इन सब में से? Now tell me any doubt? Sir, Gaurav. Sir, fourth में अगर किसी भी range, अगर range में अगर a² + 4 = 3 आ गया, मतलब a² + 4 की जगह कोई और function होता और वो equal to 3 आ जाता, तो भी cases बनाने पड़ते ना? तो piecewise करते हैं, जैसे अभी ऊपर लिखा है y is maximum of a belongs to r, अगर 3, a² + 3 करते तो इसकी रेंज 3 to infinity है, हाँ है ना? हाँ। तो इसमें आंसर ऐसा पीस वाइज लिखते हैं 3 if a is 0, come on, agree कर? हाँ सर। If a is not 0, then it is a² + 3, come on? Yes sir. Okay sir. तो अभी भी एक्चुअली आंसर लिखने के लिए तो ये लिख सकता हूँ मैं a² + 3, वो हमेशा 3 to infinity ले ही रहा है ना, come on. But अगर a² + 2 करता और सब, तो फिर changes आते हैं. हाँ सर. हो गया सबका यहाँ तक everyone? Yes. चलो एक चीज को graphically समझाना है मुझे, इसलिए करा रहा हूँ. Y is minimum of 3, x. तो तुम्हारे हिसाब से definition wise क्या answer है इसका? अब इसी चीज को मुझे यही आंसर जो पीस वाइज डेफिनेशन है वो मुझे ग्राफिकली लिखना है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे डेफिनेशन वाइज नहीं कर पाओगे, बट ग्राफिकली कर पाओगे, तो अभी इजी क्वेश्चन के लिए सीख रहे हैं, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो ग्राफिकल कैसे करूंगा, जैसे याद है पिछले बार के ग्राफिकल स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ द लेफ्ट साइड कर्व, यस नो? यस सर। यस सर। अब यहां पे क्या स्टेप्स रहेंगे बताओ, फर्स्ट स्टेप ड्रॉ व्हाटएवर द फंक्शंस आर देयर, y = 3 and y = x, करेक्ट एवरीवन? यस सर। काम करते हैं। y = x लाइन बनानी है, ये मैंने y = x लाइन बना दी, सबको इतना तो पता ही होगा, ऐसी होती है एवरीवन? यस सर। ये y = x लाइन, देन दूसरी लाइन कौन सी बनानी है एवरीवन?
रफली लाइन ऐसी होती है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। कहां पे मीट कर रहे हैं वो देख लो भाई, 3 पे मीट कर रहे हैं, करेक्ट एवरीवन? यस सर। हां है ना, क्योंकि y इक्वल टू x है। हां सर। यस सर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अभी तक तो कुछ बनाया नहीं। अब स्टेप 2 बताओ, फंक्शन हमें क्या बोलता है कि जब जब आउटपुट मिनिमम है वो सब वैलिड है, करेक्ट एवरीवन? Yes, मतलब मेरे साथ सुनना ध्यान से कि अगर मैं इस x पे बात करूं -10 पे, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ y इक्वल टू 3, एग्री करो? यस सर। एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ y इक्वल टू x, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। अब थोड़ा दिमाग का खेल है, तो प्लीज अप्लाई योर ब्रेन एंड इंटरेक्ट विथ मी, देन इट विल बी हैंडी। तो बताओ इन दोनों आउटपुट में से आउटपुट मिनिमम किसका है? y इक्वल टू x। मुझे मतलब ये फाइनल आंसर में लिखना चाहिए, हाँ है ना? यस सर। देन बताओ -1000 पे ये रहा वाई इक्वल टू 3 का आउटपुट और वाई इक्वल टू एक्स का आउटपुट नीचे होगा, एग्री करो? यस सर। यस सर। इसका आउटपुट मिनिमम है वाई इक्वल टू 1000। वाई इक्वल टू एक्स। ऐसे -infinity से -10 तक यही मुझे शेड करना चाहिए एज द फाइनल आंसर? यस सर। हाँ है ना एवरीवन? -10 के बाद -5 पे ये रहा y इक्वल टू 3 का आउटपुट और ये रहा y इक्वल टू x का आउटपुट, कौन छोटा है अभी भी? y इक्वल टू x। मतलब अभी भी इसी को शेड करना चाहिए ना? हाँ सर। मतलब कैन आई से सिंपल तरीके से, ये तो तुम्हें समझा रहा है अभी मैंने, बट बहुत ही सिंपल है, जिसका ग्राफ नीचे उसको शेड करते जाओ, एग्री करो? जिसका ग्राफ नीचे है, नीचे, नीचे है उसको शेड करते जाओ, नीचे है इसका क्या मतलब होगा, उसका आउटपुट मिनिमम होगा, है ना? यस सर। बस तो शेड करते जाओ, मुझे बताना कब रुकना है, कब चेंज करना है, रुकना है चेंज करना है क्या कुछ? नहीं सर। ओके, रुकना है शेड? हाँ रुकना है। अब पर्पल लाइन ब्लू लाइन इक्वल टू 3, तो ये जो शेडेड पोर्शन है यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. अब इसको मैं लिखना चाहूंगा, तो क्या लिखूंगा देखना, y is जो shaded portion है that is final answer, correct everyone? Yes sir. Yes sir. बताओ क्या मैं, can I say like this कि मैंने इस portion को shade किया that is x को, कब? माइनस इन्फिनिटी से x belongs to क्या, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? 3. Come on, agree करो all of you? Yes sir. फिर मैंने इसको शेड किया है y equal to 3 को, तो y is 3 for x belongs to कहां से कहां तक everyone? 3 to infinity. सही लिखा है everyone, अब ग्राफ को देख के? Yes sir. Yes sir. अब ध्यान से देखो, ये और ये चीज सेम ही है, come on, feel करो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. But ये करने का तरीका समझ में आया graphically? हां सर। Yes sir. तो बहुत सारे क्वेश्चन डेफिनेशन वाइज मेथड 1 नहीं कर पाओगे, मेथड 2 से करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब पूछेंगे तब ऐसे करना पड़ेगा, तुम्हें पता ही ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं ना? हां सर। सर यस। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, बट यहां तक अभी अच्छी तरह कॉपी करिए। सबका कॉपी हो गया क्या बच्चों? सर आपने स्क्रीन चेंज कर दी, कुछ से बनाओ उसपे क्या है?
Done copying everyone? Yes. Yes, sir. Yes. बस फास्ट करो इसमें क्या है पेन पेंसिल जो ना ले रहे हो यार स्केल जो ना ले यूज कर रहे हो आई होप गधों की तरह इस ग्राफ को नहीं बना रहे हो कि अच्छा ऐसे बना रहे हो ऐसे और फिर ऐसे गधों की तरह नहीं बनाना है पहले क्या बनाना है y equal to x line फिर y equal to 3 line याद है yes sir yes, sir. Yes. कोई डाउट इसमें नहीं सर नो सर तो जो 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 भी मिनिमम के अंदर दे रखे हैं उन सबका ग्राफ बनाएंगे पहले करेक्ट ना एवरीवन यस सर फिर अगर मिनिमम पूछा है तो फिर जिसका ग्राफ लोअर है उसको शेड करोगे अगर मैक्सिमम पूछा है तो इसका ग्राफ अपर है करेक्ट एवरीवन यस सर चलिए फर्स्ट पार्ट करो कितना आ रहा है हो रहा है एवरीवन हाँ सर यस सर चलो आराम से करो डोंट बी नारी पहले sin x का ग्राफ बनाओ फिर cos x का और फिर जिसका ग्राफ अपर है उसको शेड करो ओके आया आंसर एवरीवन यस सर यस सर कितना आया बताओ सर जीरो y इज इक्वल टू cos x फॉर x बिलोंगिंग टू सो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू तो मैंने तो सिर्फ ग्राफ बनाया ठीक है चलो हां सर सेकंड पार्ट कर लो सेकंड पार्ट करो दिख रहा है ना सबको सेकंड पार्ट यस हां Find the number of solutions of the equation maximum of sin x comma cos x equal to 1 by 4. क्या इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा समझ सकते हो कि यस ये ग्राफिकल सॉल्यूशन से होगा फर्स्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लेफ्ट साइड कम ऑन यस और नो यस सर सेकंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ राइट साइड यस और नो एवरीवन यस सर यस यस सर मैं भी अब लेफ्ट साइड वाले का कर्व बना लेता हूं आई होप तुमने भी बना लिया है मैक्सिमम वाले का ये साइन एक्स का कर्व
जीरो से टू पाई में ये कॉस एक्स का कर्व और अब शेड करना है जिसका ग्राफ क्या है ऊपर है नीचे ऊपर ऊपर सही शेड क्या है सबने हाँ सर यस सर एक्चुअली इफ यू से व्हाट इज द फाइनल ग्राफ ऑफ लेफ्ट साइड तो ग्राफ मुझे ऐसा दिख रहा है सबको समझ में आ रहा है यस सर यस सर बताओ बच्चों सबको ये दिख रहा है ये वाला ग्राफ हाँ सर यस सर सर बी का आंसर टू है हाँ सर सेम टू अभी बोलने के लिए नहीं बोला ना चैट पे लिख सकते हो बोलो मत Yes. All of you have attempted B part? Yes, sir. से पास करेगी या नीचे से करेक्ट और नॉट एवरी वन यस सर मुझे ये पता करना चाहिए कि ये कौन सा आउटपुट है फाइव बाय फोर पे ये होता है which is 0.707. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. बस मुझे पता लग गया कि y equal to 1 by 4 नीचे से जा रहा है ऐसे come on. हाँ सर उसने कितनी बार कट किया टू बार बिल्कुल क्लियर एवरीवन यस सर चलो सी ओ डी करो अब तो बहुत फटाफट होना चाहिए सी और डी दोनों फिनिश करो डन सर डन ऊपर वाले ग्राफ में काम चला सकते हैं ना हाँ सर यस सर चलो सी पार्ट के लिए मेरे साथ देख लेना 0.9 की लाइन बनानी है मुझे पता है 0.9 की लाइन ऐसी बनेगी करेक्ट एवरीवन एक yes, तीन चार कितना आंसर है चार फोर अब क्या जीरो से टेन पाई के लिए जीरो से टेन पाई का ग्राफ बनाने की जरूरत है क्या नहीं सर नहीं सर पीरियोडिक है विद पीरियड कितना पीरियड है इसका कितने के बाद ग्राफ रिपीट होता है इसका मतलब बच्चों ये कि जीरो से टू पाई में जितने आंसर होंगे उतने ही टू पाई से फोर पाई में होंगे समझ में आ रहा है एवरीवन यस सर यस सर सबको क्लियर है यस सर यस सर से टेन पाई मतलब जीरो से टू पाई को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरीवन फाइव सो फोर इंटू फाइव कितना आंसर है ट्वेंटी मतलब समझ में आया क्वेश्चन एक्चुअली डी पार्ट था जो मैंने तुम्हें बेबी स्टेप्स में दिया समझ में आया यस सर यस यस सर अब तो थोड़ा ग्राफिकल सॉल्यूशन दिमाग में बैठ गया हां सर यस यस स्टार्टिंग हुई है नेक्स्ट चैप्टर में और आएंगे ग्राफिकल क्वेश्चंस कोई डाउट किसी बच्चे को नो सर कैन वी मूव देन एवरीवन Yes, sir. चलो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्या होगा एडिंग
ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। ओके स्टॉप राइटिंग, मैं समझाऊंगा। साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ को कैसे सॉल्व करते हो तुम बताओ अभी तक। साइन एक्स इक्वल्स टू साइन फाइव बाय सिक्स। एक तुम्हारे पास ये मेथड है प्रिंसिपल एंगल वाला, याद आ गया? यस सर। ट्रेडिशनल हमारे पास, हमारा ट्रेडिशनल मेथड भी है। यस सुनो, यस सर। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हो पाई बाय सिक्स एंड फाइव पाई बाय सिक्स, और इसमें फिर टू एन पाई ऐड कर देते हो, याद आया? यस सर। सो यहाँ पे हम एक्चुअली इसका ट्रेडिशनल मेथड टाइप का ही करेंगे, टाइप का। सो फर्स्ट अगर क्वेश्चन है मेरा साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ, तो मैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालूंगा। स्टेप वन, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए भी आई प्रिफर, क्योंकि जैसे तुम इंटेलिजेंट जितना हो गए तुम डायरेक्टली कर सकते हो, बट अभी शुरुआत के स्टेज में आई प्रिफर टू यू टू ड्रॉ अ ग्राफ एंड डू। क्लियर एवरीवन? यस सर। इसका ग्राफ बनाओ, आप बताओ ये वैसा ही हो गया, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन? इससे ज्यादा बनाने की जरूरत है क्या? नहीं सर। नेक्स्ट किसका ग्राफ बनाऊं? 1/2 इक्वल टू हाफ, करेक्ट बना दी एवरीवन? हां सर। हां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एवरीवन? 5/6 अब क्या करूंगा मैं, शेड करूंगा। कम ऑन, सुनो। यस सर। वर्ड्स में बोलना क्या शेड करूंगा, कब sin x का आउटपुट y इक्वल टू हाफ आउटपुट से बड़ा है, करेक्ट और नॉट? यस सर। मतलब जब जब sin x बड़ा है उस पोर्शन को शेड करूं, करेक्ट एवरीवन? हां सर। यस सर। अच्छा ये वाला पोर्शन शेड करूं या नहीं करूं? नहीं सर। नहीं सर। यहां से शेड करूं या नहीं करूं? यस सर। यस सर। अब तक रुकना है? रुक जाओ बस सर, हो गया। ओके इसके बाद 0 से 2 पाई में और कोई शेडेड पोर्शन? नो सर। क्या नहीं से प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया? यस सर। तो 0 से 2 पाई में क्या आंसर आया इसका? x बिलोंग्स टू 5/6 से 5 पाई में हो रहा है वही 2 पाई से 4 पाई में भी हो रहा होगा एवरीवन? कम ऑन। यस सर। वो बार बार करने की जरूरत थोड़ा है, वही 2n पाई ऐड कर दो बस। कम ऑन, देखो जो हम ट्रेडिशनल मेथड में करते हैं 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 इज द फाइनल आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। देख लो n को 0 रख दूंगा तो ये आ जाएगा, n को 1 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई प्लस पाई बाय 6 से 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, सही आएगा ना एवरीवन? हां सर। बिल्कुल इजी एवरीवन? यस सर। इसमें ट्विस्ट क्या आएगा वो बाद की बात, बट अभी कॉपी करिए। Did you notice कि ये सब हम नाम दे देते हैं मेथड्स को, कितना अच्छा रहता है ट्रेडिशनल मेथड? यस सर। हां सर। यस सर। अब आई होप इतना तो पता है वो ट्रेडिशनल मेथड का नाम नहीं है। हां सर पता है, जेकेएम बुक आपने दिया है। हां मतलब अपन अपने लेक्चर्स के लिए बात कर रहे हैं। जब मैं बुक लिखूंगा उसमें लिख दूंगा, ठीक है? हां सर। हां सर। सर पब्लिश कभी होगी? मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं एक बुक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश ही चल रही है अभी तो। हाँ सर सही। और डिसिप्लिन चाहिए होता है, मैं डिसिप्लिन है नहीं। सर मतलब आप भी हमारी कैटेगरी में? बिल्कुल आता हूँ, बट नालायक कम हूँ, है ना? तो सर हमारे चांसेस है, मतलब अपने काम के लिए बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाता हूँ, होता नहीं होता हूँ। हाँ सर, मतलब हमारे भी चांसेस है आईट। दैट इज गुड क्वेश्चन। आईटी के चांस है बस डिसिप्लिन, तुम सब में दिमाग तो अच्छा होता है यार हमेशा, मुंबई के बच्चे मैच्योर अच्छा हो जाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि 2 साल में डिसिप्लिन नहीं रख पाते हो। देखो आज ही लेक्चर में अभी कितनी स्ट्रेंथ है।
111 जब लेक्चर शुरुआत किया था 810 तक मुझे को याद है 101 थे सर 101 थे तो 10-12 बच्चे अपने मर्जी के हिसाब से आ रहे हैं तो अपने मर्जी के हिसाब से करो दिस इज नॉट द क्लास जिसमें मैं मॉनिटर करूंगा डायरी में नोट लिखूंगा समझ में आ रहा है यस सर जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो तो वो प्रॉब्लम क्या होती है ये एटीट्यूड रखना पड़ता है क्योंकि एक्चुअली इतना रीच नहीं कर सकते दिस इज नॉट ट्यूशंस अंडरस्टूड ना हां सर यस बट उसके कारण फिर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जो डिसइंटरेस्टेड होते हैं वो धीरे धीरे गिव अप करने लग जाते हैं और इसमें तो बहुत लंबी रेस है इंडिविजुअल मेंटरिंग वुड बी गुड बट तुम्हें पता है वो प्रैक्टिकल बात नहीं है तो जो बच्चे इंटरेक्ट करते हैं जिन बच्चों का मैं नाम जाता हूँ उनसे इंटरेक्शन होता है इसलिए बोलता हूँ कि इंटरेक्ट करो ताकि तुम कभी डाउन फील करोगे तो मैं तुम्हें रिमाइंड कराऊंगा बट मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है ना कि मैं जानता ही नहीं कि कौन है पार्थ अब वो पार्थ लेक्चर कभी अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है तो मुझे कैसे पता लगेगा वो क्योंकि वो पहले भी इंटरेक्ट नहीं करता था व्हाट माय पॉइंट यस सर यस यस सर हमारा बैच इतना अच्छा बनाते हैं हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज्यादा रखते हैं ऑनलाइन में क्यों ताकि एक दूसरे को मोटिवेट करो तुमने कभी फील किया कि तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही बट बैच के माहौल के कारण तुमने आंसर करना चालू कर दिया ऐसा कुछ एडवांटेज होता है जो तुम्हें ऑनलाइन दूसरे क्लासेस में नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ वैसे नहीं होते उनको चाहिए एंटरटेनमेंट हमें चाहिए कंटेंट प्लस एंटरटेनमेंट यस सर पेस ऑफलाइन कब चालू होने वाला है सर जब मोदी जी अलाउड करेंगे और ठाकरे जी अलाउड करेंगे आपका यूज करके मुझे इसका आंसर लिख के बताओ डायरेक्टली पहले 2n पाई का लिखोगे या सिर्फ 0 से 2 पाई का लिखोगे 0 से 2 पाई से 2 पाई का गुड बच्ची लिखो एवरीवन उसी ग्राफ का यूज कर सकते हैं ना यस ब्रैकेट्स का मुझे बिल्कुल केयर रख करके फिर आंसर देना डन सर जीरो से टू पाई में लिख दिया तो टू एन पाई ऐड करके फाइनल आंसर लिखो एवरीवन यस सर कर दिया सबने यस सर कैन वी डिस्कस एवरीवन यस सर ओके मुझे आराम से जीरो से टू पाई का आंसर बताओ पहले जीरो से बोलो ऑल इन क्लोज ब्रैकेट करेक्ट यस सर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एनीबॉडी 2n pi + 5/6 करेक्ट हर जगह 2n pi ऐड कर दो 2n pi से 2n pi plus 5/6 यूनियन 2n pi + 5/6 अब ये फाइनल आंसर थोड़ा सा गलत है कौन बताएगा क्या गलती है सर गौरव हां गौरव बारह बोल सर सेकंड पार्ट में 2n pi plus 2 pi लिखने की जरूरत नहीं है 2n हां सर रिपीट हो गया रिपीट हो गया क्या 2n pi plus 2 pi लिखने की जरूरत नहीं है मतलब क्या लिखोगे सर स्टार्टिंग में 2n pi आ गया तो उसी में इंक्लूड हो जाता है ये तो बता बता ना क्या चेंज करूं सर यूनियन में सिर्फ 2n pi + 5/6 लिखो
बस ऐसे ओपन कर्ली ब्रैकेट में ऐसे ना। हाँ सर ये तो बिल्कुल गलत है बच्चे, इसके बीच की बहुत सारी वैल्यूज है फिर वो गायब हो जाएगी ना। बस एक ही गलती हो रही है बच्चों की, 2 पाई बार बार रिपीट हो रहा है। तुमने अगर पैटर्न नहीं देखा, देखो एक्स को जीरो रखा तो जीरो से पाई बाय एन को जीरो रखा तो जीरो से पाई बाय सिक्स यूनियन फाइव पाई बाय सिक्स से 2 पाई, करेक्ट है एवरीवन? यस सर। फिर yes, n को 1 रखा तो क्या आ रहा है 2 पाई से 2 पाई प्लस पाई बाय 6, करेक्ट ना? यस सर। इन सब वैल्यूज में कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ सिर्फ कि 2 पाई यहां पे भी क्लोज हो गया और यहां पे भी क्लोज हो गया, दिख रहा है एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। इसके अलावा कोई और गलती है क्या? नो सर। नो सर। गलती सिर्फ 2 पाई की है, इसका मतलब एक जगह कहीं भी या फिर यहां पे या फिर यहां पे क्या कर देना है बताओ, जस्ट ओपन ब्रैकेट ताकि कोई रिपीटेशन नहीं हो, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में रिपीटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है एवरीवन? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। तो बस इसके अलावा कोई और गलती नहीं है, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो। अच्छा जल्दी से बताओ, यहाँ पे हर जगह हमने 2 पाई तक किया और फिर 2n पाई ऐड किया, क्यों? एनीबॉडी? रिपीट होता है पीरियडिक फंक्शन, क्योंकि sin x का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, हाँ है ना एवरीवन? यस। बट जैसे अगर मैं पूछूं 10x का, तो 10x का पीरियड कितना होता है, मैंने लिखाया था बताओ? क्वेश्चन दूंगा तो 0 से 2 पाई करने की जरूरत है या सिर्फ पाई इंटरवल करने की जरूरत है? सबको याद रहेगा ये? यस सर। नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन करो, चलो डू दिस। सॉल्व फॉर एक्स, 10x लेस देन इक्वल टू रूट 3। सबसे पहले 10x का ग्राफ बनाओगे कितना, 2 पाई ग्राफ या फिर सिर्फ पाई का ग्राफ? 2 पाई। और पाई का ग्राफ के लिए जीरो से पाई चलेगा या कोई भी पाई इंटरवल चलेगा एवरीवन? कोई भी पाई इंटरवल। नॉट इनफ, यू विल टेल मी कौन सा रीजन में ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि बहुत बहुत फास्ट बनता है, अभी बनाया था अभी मैंने। एनीबॉडी? अभी जस्ट बनाया था मैंने किसी क्वेश्चन में, याद है होमवर्क क्वेश्चन में? यस सर। यस सर। तो बोलो भाई। -5/2 -π/2 से π/2 याद है, 10 का ग्राफ -π/2 से π/2 में रिपीट करता है। हां सर। ऐसे ये पाई का इंटरवल है एवरीवन? यस सर। यस, 10 के लिए हमेशा यही ध्यान रखा करो। तो -π/2 से π/2 में ग्राफ बनाओ, बस उतना काफी है। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात में? नो सर। नो सर। कल भी हमारा लेक्चर है ना बच्चा? हाँ सर। हाँ सर। Earlier I said कि Saturday को doubt discuss करेंगे, but कल 1A1B भी discuss कर सकते हैं everyone? Yes sir. 1A1B भी तो पूरी हो गई? Yes. पूरी booklet का। 2A भी हो गई क्या? हाँ sir. हाँ sir. Yes sir. कल तक का target रख सकते हैं 2A तक का everyone? हाँ sir. Yes sir. हाँ मतलब बस जो आपने दिया हम लोग को वो करना है। हाँ बस अब जो बचा हुआ है वो भी करना है, क्योंकि आज chapter finish हो जाएगा। Clear? Yes sir. कोशिश करना 2A तक पूरा करके लाने की।
स्पेशली 1A 1B में जो क्वेश्चन पहले नहीं करे थे वो करके लाना, सुन लिया, कुछ छोड़ के मत आना। हो गया कंप्लीट ये क्वेश्चन एवरीवन, जल्दी करो जल्दी करो। ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स का बिल्कुल क्लियर चाहिए मुझे। और ऑल ऑफ यू रेडी? यस सर। यस सर। देखते हैं हम वाई इक्वल टू रूट थ्री लाइन यहाँ पे गई होगी रफली, करेक्ट ना? हाँ सर। यस सर। रूट थ्री पे ये कितना होगा? आउटपुट कम होना चाहिए, तो शेड करूं इस वाले को या नहीं करूं? करो सर। करूं, ठीक है। कहां तक करूं बता देना। बस बस बस। सही लिखा है एवरीवन अभी तक? यस सर। तो फिर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में अभी तक क्या आंसर आ गया एवरीवन? एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू ओपन क्यों है? इट इज नॉट डिफाइंड ओवर देयर, इट इज नॉट डिफाइंड द वैल्यू। बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइंड है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए 2n पाई ऐड करूंगा या n पाई ऐड करूंगा? n पाई ऐड करूंगा, n पाई, क्योंकि इसका पीरियड कितना है एवरीवन? पाई। So yes, this is the final answer. Is that clear? Yes. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहले यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं एक और चीज समझाऊंगा, उसके बाद कोई डाउट है तो। साइन कॉस में क्या ऐड करते हैं? 2n पाई। टेन और कॉट में क्या ऐड करते हैं एवरीवन? पाई। ये फर्स्ट लेक्चर से बताया ना मैंने? हाँ सर। अच्छा, आई होप यहाँ तक कॉपी हो गया है, नहीं हुआ है तो जल्दी से कर लो, 10 सेकंड्स और। सेकंड थिंग, कोई बच्चा ने डिसाइड किया कि वो जो पाई का इंटरवल लेना है वो जीरो से पाई लेना है मुझे, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू नहीं लिया उसने, तो क्या गलत आंसर आएगा या सही आएगा? सही आएगा। पर जीरो से पाई में ढंग का ग्राफ बनाओ पहले तो। कैन आई से सही ग्राफ बनाया एवरीवन जीरो से पाई में? यस सर। यस सर। अब वाई इक्वल टू रूट थ्री लाइन बनाई मैंने, इसने पाई बाय थ्री पे इंटरसेक्ट किया। हाँ सर। और फिर यहाँ बाद में भी कर रहा है, बट वो मेरे काम का नहीं, क्योंकि मेरे काम का तो पाई तक है एवरीवन। यस यस सर। टेन एक्स का आउटपुट कब छोटा है, शेड कर रहा हूँ, यस यहाँ तक छोटा है, फिर नहीं है, फिर वापस यहाँ पे छोटा है, करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो अब बताओ जीरो से पाई में क्या आंसर आया? जीरो से कहाँ तक? पाई बाय थ्री तक। यूनियन बोलो पाई पाई बाय टू से आया ना? पाई बाय टू से पाई, करेक्ट एवरीवन? यस सर। अब अगर मैं जनरल सॉल्यूशन करूंगा तो वापस क्या ऐड करूंगा इसमें? एन पाई। एन पाई से एन पाई प्लस पाई बाय थ्री यूनियन एन पाई प्लस पाई बाय टू से एन पाई प्लस पाई, क्लोज नहीं ओपन कर दूंगा, याद है वो तो? यस सर। अगर किसी ने ये लिखा फाइनल आंसर
तो ही इज कम्प्लीटली करेक्ट. ये और ये सेम ही चीज है. जनरल सॉल्यूशन इज यूनिक और नॉट यूनिक एवरीवन. यूनिक नॉट यूनिक नॉट यूनिक. मतलब ये और ये दोनों सेम आंसर दे रहे हैं. ये चेक कर सकते हैं क्या हम? हाँ कर सकते हैं. देख लो n को जीरो रखा, क्या क्या आया देखना. जीरो से पाई बाय थ्री यूनियन पाई बाय टू से पाई. करेक्ट एवरीवन? यस यस. फिर n को वन रखा तो क्या आया यूनियन पाई से पाई प्लस पाई बाय थ्री यूनियन पाई प्लस पाई बाय टू से पाई प्लस पाई दैट इज टू पाई एंड सो ऑन. अब अगर यही रीजन मैंने ऊपर दिखा दिया तो सेम ही आंसर है ना. एन को जीरो रखा तो माइनस पाई बाय टू से पाई प्लस पाई बाय थ्री यूनियन एन को वन रखा तो पाई माइनस पाई बाय टू दैट इज पाई बाय टू से कितना वन रखा तो पाई प्लस पाई बाय थ्री और यहाँ पे जीरो रखा था सॉरी पाई प्लस पाई बाय थ्री यूनियन एन को टू रखा तो टू पाई माइनस पाई बाय टू दैट इज थ्री पाई बाय टू से टू पाई प्लस पाई बाय थ्री. करेक्ट एवरीवन? यस सर. देखो ये जीरो से पाई बाय थ्री आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है. ये सुनो. यस सर. पाई बाय टू से पाई और फिर पाई से पाई प्लस पाई बाय थ्री. तो एक्चुअली ये पाई बाय टू से पाई प्लस पाई बाय थ्री हो गया ना एवरीवन? हाँ सर. यस सर. दिख रहा है नहीं दिख रहा कार्टून हो? हाँ सर. यस सर. अरे यार क्या पता बटन जैसी आंखें हैं. इसका क्या मतलब होगा बच्चों? ऐसा जनरल सॉल्यूशन इसका मतलब यही होगा ना पाई बाय टू से एक्चुअली पाई प्लस पाई बाय थ्री तक है एवरीवन? हाँ सर. ऊपर यस और नो? यस सर. यस. दोनों सेम आंसर है डिफरेंट आंसर है एवरीवन? सेम आंसर है सर. बट लिखने का पैटर्न अलग है. करेक्ट एवरीवन? हां सर. तो अब तो फाइनली कन्विंस हो यू कैन सेलेक्ट एनी पाई इंटरवल एवरीवन? यस सर. यस. बट तुम बताओ कौन सा इजीियर है, मेथड 1 या मेथड 2 वाला? मेथड 1. मेथड 1. इसलिए हम 10 के लिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 प्रेफर करते हैं. गॉट इट? यस सर. यस. अब कोई डाउट किसी बच्चे को? मेथड टू कॉपी करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? हाँ सर. यस सर. यस. कैन आई मूव एवरीवन? यस सर. चलो ये जेई 2006 में क्वेश्चन आया था. करो ये. डू दिस. बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह होना चाहिए. इसको कैसे डायरेक्टली ग्राफ या पहले क्वाड्रेटिक की तरह फैक्टराइज फैक्टराइज करोगे? क्वाड्रेटिक की तरह फैक्टराइज करा फैक्टर है. Come on, sin x minus 2 तो काफी स्पेशल है. हाय ना? यस सर. कट हो जाएगा. करेक्ट करेक्ट. थोड़ा सोचो कट करते वक्त. थोड़ा कुछ बोलना नहीं, कट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है. रखना है ना? क्या सर? हां सर. हां सर. करते वक्त यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट sin x minus 2. यस सर.
कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना सर। यस सर। बहुत बच्चों का ई आ रहा है, शुरुआत में थोड़े बच्चों का सी भी आया था, देखते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालना है या सिर्फ जीरो से टू पाई का आंसर पूछा है एवरीवन? जीरो से टू उतना ही करो। लास्ट 10 seconds। यस ओके जवान समय ध्रुव। ओके प्रथम जय कृति। ओके आगम आदित्य। लास्ट 10 seconds एवरीवन। समय गौरव सुजल। मिस्टेक है सुजल। श्रीनदी करेक्ट। चलो Dishant mistake. Everyone see on the screen now. Sin x minus 2. Any comments? Huh? Not possible. Not possible. Not possible. Galat. Always negative. No solution. Chop. Sin x minus 2. Comment bola maine to not possible kya hota hai? Always negative. Haan hai na? Yes sir. Ab ye wavy curves hi hai. Abhi main tumhe bataunga ki wavy curve ki tarah bhi bahut sari cheez solve karni hai. तो तुम बताओ अगर कोई चीज पॉजिटिव होती है तो उड़ा देते हो ना ऑल ऑफ यू? हां सर। यस सर। तो ये ऑलवेज नेगेटिव है, इसको भी उड़ा सकता हूं क्या एवरीवन? यस सर। बट साइन चेंज, साइन चेंज करना पड़ेगा। याद आया एवरीवन? अगर माइनस फाइव है yes, तो उसको उड़ाते हो बट साइन चेंज करते हो ना एवरीवन? यस सर। किसी को डाउट नहीं आता? नो सर। तो क्या आ गया? साइन एक्स इज लेस देन हाफ, करेक्ट एवरीवन? यस। और उसका सॉल्यूशन करना सिखाया गया मैंने? यही होता है, याद करो अभी सिखाया है। x belongs to 0 से pi by 6 open union 5 pi by 6 से 2 pi closed, but उसने 2 pi और 0 पे open कर रखा है, देख लो है ना? हमारा भी open आ जाएगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल, करेक्ट एवरीवन? सर। यस। कॉपी फास्ट, कुछ ना लायक उन्हें गलती करी। ग्रेटर देन नहीं, लेस देन पूछा है, उन्होंने साइन चेंज नहीं किया, पक्का नालायक है। एक और क्वेश्चन करें ऐसा ही? यस सर। ऑलमोस्ट चैप्टर का एंड चल रहा है, बस दो तीन क्वेश्चन और करेंगे। डन एवरीवन? यस सर। यस सर। कोई डाउट सर? नो। चल करो ये वाला क्वेश्चन।
फैक्टराइज हो रहा है ना ये भी सर? यस सर। हो गया सबका? हाँ सर। यस सर। कोई गलती नहीं। यस सर। लास्ट 10 सेकंड दे देते हैं दूसरे बच्चों के लिए भी, तब तक तुम श्योर हो जाओ एक भी वैल्यू गलत हुई एक भी तो दैट इज कंसीडर्ड रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आएगा, कुछ सोच लेना। हाँ सर। हाँ सर। Okay, ready all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Factorize करते हैं. -2 sin -sin plus 1 greater than 0. 2 sin common. -1 sin -1 greater than 0. So 2 sin minus 1 into sin minus 1 is greater than 0. क्या इस factor को उड़ा सकते हैं क्या? हाँ. Sin x minus 1. You have to change the sin and sin x. sin x minus 1 की रेंज होती है बच्चों कितनी होती है? -1 से -1 दैट इज -2 से 0 करेक्ट ना? यस सर। यस सर। ये ऑलवेज नेगेटिव नहीं है, दिस इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू 0। कम ऑन। यस सर। यस सर। तुम बताओ अगर कोई इवन पावर टर्म होता था उसको उड़ा देते ना तुम? आए ना? यस सर। यस सर। इक्वल टू 0 के कारण क्या ध्यान रखते थे कि उसका फाइनल आंसर प्रेजेंट रहना चाहिए? इक्वल टू 3 होगा। इक्वल टू 3। समझ में आ गया सबको? आई कैन रिमूव इट बट साइन एक्स इक्वल टू 1 का जो भी आंसर है दैट इज पाई बाय 2 शुड बी प्रेजेंट इन द फाइनल आंसर। व्हाट इट एवरीवन? यस सर। अगर तुम उसके बिना भी करना चाहते तो भी कर सकते थे बट आई होप दिस इज अंडरस्टूड एवरीवन। हां सर। हां सर। तो अब वापस क्या आंसर हो गया? साइन एक्स इज ग्रेटर देन हाफ, उसका तो आंसर याद ही हो गया अभी तक, पाई बाय 6 है, 5 पाई बाय 6 एवरीवन। हां सर। ओह माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। इसको उड़ाना है तो ये नेगेटिव ही है, करेक्ट एवरीवन? हां सर। हां तो मतलब साइन क्या हो जाएगा वापस? चेंज। चेंज। हां है ना बच्चों? यस यस सर। यस सर। तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू हाफ का वही आंसर 0 से पाई बाय 6 यूनियन 5 पाई बाय 6 से 2 पाई तक, बट 2 पाई तक जाने की जरूरत नहीं है, कहां तक जाना है? पाई। बट इसमें क्या ध्यान रखना है, पाई बाय 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है अभी? नहीं आ रहा है। कर्ली ब्रैकेट्स पाई बाय 2। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। सिंपल बात है ना यार, कोई नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो उड़ा ही सकता हूं ना एवरीवन? हां सर। यस। कभी नहीं उड़ा पाएंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए सर कैसे हैंडल करेंगे, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में सिखा रहा हूं। किसी बालक को डाउट यहां था? नो सर। Can I move everyone done? Yes, sir. Okay, I'm moving on now. चलिए ये question मैं करूंगा, stop writing now.
in 0 से 2 pi, find x which satisfies this equation. तो method 1, कुछ बच्चे क्या कर लेंगे इसमें, sin c plus sin d यूज कर लेंगे. क्या होता है formula, 2 sin c plus d by 2. यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप सोचना पॉसिबल तो है बट इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि x नहीं है, कहीं 3x by 2 है, कहीं x by 2 है, मतलब उनका पीरियड भी चेंज हो जाएगा और x by 2 या 3x by 2 के बारे में सोचना पड़ेगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू थिंक. यहाँ तक थिंकिंग डिफिकल्ट हो तो जाएगा बट उससे अगर छोटा इजियर मेथड है तो ऑब्वियसली वो यूज करना चाहेंगे. करेक्ट है एवरीवन? यस सर. तो मेरा बोलने का मतलब ये एक्स एंगल जितना एक्स रहे उतना बेटर है. करेक्ट? यस. वो डिफरेंट एंगल है तो फिर बहुत सोचना पड़ता है. सो व्हाट आई कैन डू इज sin 2x को ब्रेक कर सकता हूं. किस में? 2 sin x cos x. और अब कॉमन लूंगा तो जल्दी से एग्री करो हर जगह एंगल x ही है. कम ऑन. हां सर. यस सर. दैट इज वे बेटर देन द मेथड 1. यहां तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. But the only problem with this is कि यहाँ पे दो फैक्टर है और कोई भी eliminate नहीं कर सकता. Agree करो all of you? Yes, sir. Yes, yes, sir. हाँ है ना? Sir. तो अब इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे? Normal wavy curve करेंगे. क्या करेंगे everyone? Wavy curve. Wavy curve. तो याद है कैसे करते थे wavy curve? X into x minus 3. अगर ग्रेटर देन जीरो होता था तो हर फैक्टर के लिए क्रिटिकल पॉइंट मार्क करते थे ना. हाँ सर. यस सर. यस सर. इसके क्या करते थे? जीरो. इसके लिए क्या करते थे? थ्री. थ्री. फिर मुझे याद कराओ राइट साइड पे सबसे ज्यादा पहले क्या रखते थे? पॉजिटिव. हम चेंज करते थे. करेक्ट? यस. अच्छा यहाँ पे प्लस क्यों लिखते थे? अगर मैं एक्स की वैल्यू कोई भी एक्स की वैल्यू थ्री से बड़ी लू like let's say 3.1 तो ये पॉजिटिव होगा. एग्री करो? यस सर. और दूसरा वाला फैक्टर भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है एवरीवन? पॉजिटिव. तो क्या ये सिर्फ 3.1 के लिए या 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू के लिए? 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू. तो ये हमने फिक्स कर लिया था और इसलिए हम बिना सोचे समझे प्लस लिखते थे. करेक्ट एवरीवन? यस यस. तो यहां पे भी सेम है. ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे प्लस लिखने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा बस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या है वो कुछ भी वेरिएशन करते रहता है, एलजेब्रा की तरह नहीं. क्लियर यहां तक? यस यस. तो अब बताओ मुझे स्टेप 1 ड्रॉ द नंबर लाइन, स्टेप 2 मार्क एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट्स कौन है यहां पे? 0 और 2 पाई. उनके बाहर जाने की जरूरत नहीं है. एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. हां या ना? यस सर. यस सर. अब नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करूंगा मैं, क्या मार्क करूंगा? क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट हर का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता था? उस फैक्टर को इक्वल टू 0 करके. एवरीवन? यस सर. यस सर. बताओ sin x का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा जब sin x 0 होगा? हां है ना? यस सर. sin x 0 कहां-कहां पे होता है बच्चों? 0 पे और पाई पे और पाई और 2 पाई. यहां तक क्लियर? यस यस सर. वाला फैक्टर 0 मतलब cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी एवरीवन? माइनस हाफ बाय 2. cos x नेगेटिव कहां-कहां पे होता है? सॉरी सेकंड एंड थर्ड पे. एवरीवन मैं तुम्हें निकालना सिखाया है ना एवरीवन? हां सर. की हेल्प लेके सिखाया? हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन. याद करो पहले क्या सिखाया था कि इग्नोर द साइन अल्फा निकाल लो. याद आया? हां सर. तो अल्फा कितना आता है? पाई बाय 3. करेक्ट? यस सर. याद आया बच्चों? हां सर. हां सर. आंसर पाई माइनस या पाई प्लस? पाई माइनस. पाई माइनस और पाई. गेस ऑन एवरीवन. Yes, yes, sir. Yes, sir. Third quadrant का answer pi plus. Yes. Yes, sir. तो इसके critical point ये दोनों हैं. Correct everyone? हाँ sir. So 2 pi by 3 is 120 less than 180. 4 pi by 3 is bigger than that. तो क्या नहीं से सारे critical point mark हो गए everyone? Yes. अब बस मैंने क्या difference बताया था कि यहाँ पे किसी भी region में plus होना या minus होना fix है या fix नहीं है? नहीं. नहीं. मैंने क्या बोला? नो रीजन साइन इज फिक्स्ड. सो व्हाट डू वी डू? बट एक बार साइन पता लग गया तो साइन चेंज तो जरूर होगा. एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ है ना? यस सर. व्हाई चेंज होगा? बिकॉज़ वही तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन होती है. हाँ है ना एवरीवन? यस सर. तो अगर यहाँ पे प्लस फिक्स हो गया तो यहाँ पे माइनस फिक्स है, फिर यहाँ पे प्लस फिक्स है, फिर यहाँ पे माइनस फिक्स है, फिर यहाँ पे प्लस फिक्स है. इज दैट क्लियर एवरीवन?
यस सर बस मुझे क्या निकालना चाहिए किसी एक रीजन में फाइंड द ना एवरीवन यस सर अरे कॉन्फिडेंटली बोलो ना गधों हां सर एनी वन रीजन फाइंड द साइन तो व्हाट डू यू थिंक 0 से 2 पाई बाय 3 में निकालना चाहिए 2 पाई बाय 3 से पाई में यहां पे कहां पे निकालो जो इजीियर होगा वो सोचोगे करेक्ट ना हां सर यस व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इजीियर वन कोई भी ले लो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री गॉट इट एवरीवन तुम जो बोलोगे वो ले लेंगे बोलो 60 डिग्री 90 इजी रहता है 60 ले लिया तो मुझे क्या वैल्यू से मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो साइन 60 डिग्री पॉजिटिव करेक्ट यस सर कितना होता है √3/2 माइनस राइट नहीं सॉरी प्लस तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव हो गया यस प्लस इनटू प्लस क्या साइन आता है यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव क्या ये सबको क्लियर हुआ हां सर सबसे पहले हमने 0 के आसपास निकाला प्लस आया तो बाकी सब में भी चेक करके निकालना है या बस साइन चेंज करना है साइन चेंज करना है फिर माइनस फिर प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस करेक्ट एवरीवन यस सर यहां पे आगे जाने की जरूरत नहीं है बट तो भी मार्क कर लो क्यों क्योंकि क्लोज वाले में थोड़ी गलती हो सकती है वो भी बताता हूं उसका क्या मतलब है बट यहां तक क्लियर है ना यस यस और मुझे 0 से 2 पाई के बाहर नहीं जाना है करेक्ट एवरीवन यस सर यस सर और मुझे कौन सा साइन पिक करना है एवरीवन ग्रेटर देन पॉजिटिव पॉजिटिव सो व्हाट इज द फाइनल आंसर बोलो जल्दी से अब चलो 0 से 2 पाई बाय 3 2 पाई से 4 पाई बाय 3 2 पाई से 4 पाई बाय 3 यूनियन अगर 2 पाई के बाद का अलाउड होता तो 2 पाई भी आता ना बच्चों हां सर कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ yes, yes, कि 2 पाई के बाद का तो मेरे को कोई मतलब नहीं है बट 2 पाई तो मतलब है ना एवरीवन yes, yes, क्या सबको क्लियर हो गया दिस इज द फाइनल आंसर एवरीवन यस सर इट्स कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक वेवी कर्व समझ में आया एवरीवन यस सर कॉपी करो फटाफट बिल्कुल वैसा ही है ना बस थोड़ा सा एक साइन फिक्स नहीं होता है बस करेक्ट यस So this is Anshu. I have a doubt. So why can't we change 1 plus 2 cos x into 2 cos? I am muted, Denim. As you know the process, abhi koi doubt nahi. Socho apne doubt ke baare mein. यस अब किसी को डाउट है तो ये दे कैन आस्क सर नचिकेत
सर अगर इसमें जीरो से मतलब इन्फिनिटी पाई होता, मतलब इन्फिनिटी होता, टू पाई नहीं होता, तो हम फिर हर जगह टू एन पाई ऐड कर देते ना वापस. यस. नेक्स्ट. सो दिस इज अंशु. सो व्हाई कैन वी चेंज 1 प्लस 2 cos x टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2 एंड देन जस्ट कैंसिल इट. क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला होता ही नहीं है ना. लाइक 1 प्लस cos 2x होता है वो. राइट राइट. अच्छा बात. Anybody else? No, sir. सबको क्लियर हो गया? हाँ सर. कॉपी एवरीवन, हो गया कॉपी? यस यस. इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो करके आओगे. And that finishes our chapter. Clear everyone? Yes, sir. Yes, yes. बस कर लेना. आराम से थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सोचोगे, गलतियां करोगे, then you will rectify that. So please do that and come. Tomorrow we are going to discuss doubts first, and then if time permits, we'll start new chapter also. Clear? So what is yes. the next chapter? का नाम क्या है everyone? Inequality. Inequality. Inequations. Okay. जिसमें हम लॉग के बारे में भी पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल, मॉडुलस, अंडर रूट्स. ओके. यस सर. ओके. यस सर. चलो टेक केयर. बाय बाय एवरीवन. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर.